एक साल एक दिन का होता है संत का, सवा महीना जाके बाद उसका उसका विनाश होगा। आज भी दीवार बाबा जी का पैसा खाएगा तो बाबा जी होगा, ग्रस्ती का खा लेगा तो ग्रस्त ग्रस्त का उद्धार कल्याण हो जाएगा। श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के श्रद्धालु के दर्शन कराता हूँ। देख रहे हैं आपके मेरे पीछे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा मार्ग है, संत बैठे हुए हैं और दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं। कितने मन के हैं महाराज जी हमें बताएंगे, क्या ऐसी मनोकामना रही महाराज जी की जो दंडोती लगा रहे हैं, उम्र क्या है महाराज जी, कैसे गृहस्थ में थे, कैसे थे महाराज जी बताएंगे। तो जय श्री राधे। और हमारी उम्र 45 साल की है। अच्छा, हम माँ दुर्गा के भक्त थे। अच्छा, गृहस्थ में रहते थे। अच्छा, कोई भी आदमी आता था रोता हुआ आता, हंस के चला जाता, बाद में रावण बन जाता। अच्छा, हमको कांटा बन गया। अच्छा, हम घर को छोड़ दिया, भटकने लग गए, संत ने हाथ पकड़ लिया। अच्छा, उसने कह दी बेटा तू कहीं नहीं डोलेगा, तेरी तेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है, तो भगवान के दरबार में ठिकाना है और कहीं नहीं है तेरा। अच्छा, हमने हमने किया महाराज ऐसा मत करो, हमको बंधन में मत डालो, हमके लिए भाई गृहस्थ काफी है, वह भी तो पूरा करना। नहीं, गृहस्थ पूरा भगवान करेगा, तुम क्या करोगे, तुम तो एक मिट्टी के खिलौने हो। तो बच्चे वगैरह है महाराज है तो सब छोड़ गए क्या गया वो। तो महाराज जी ऐसे कैसे क्या करते थे, जो मतलब जो आते हैं वो सही होके जाते थे मतलब रोते हुए। ये माँ का आशीर्वाद है, कुछ नहीं तो कुछ करते थे ऐसे महाराज जी। हमारे तो भाई धूप बत्ती करते हैं, हम कुछ छोट गमार, हम क्या बुद्धू आदमी है, कोई तंत्र नहीं, विद्या नहीं, मंत्र नहीं, कुछ नहीं, हमारा तो ये उठा के देते वही सब। अच्छा, तो वो जो भी आता था वक्त आपकी शरण में वो सही हो गया था। अच्छा, तो फिर वहां से कैसे महाराज जी कैसे हट गए, वहां से कहां से, मतलब इस क्रिया को क्यों छोड़ी, दंडोती लगा रहे हैं हम कितने वक्त। क्रिया हमारी वो भी चल रही है। अच्छा, ये तो है कि जना जगह बैठोगे, जना जगह बैठोगे, जनी जनी बात सुनोगे, गंदगी को ध्यान रखोगे, ध्यान को खत्म करने के लिए हमारी भक्ति का है। अच्छा, बहुत सही, गिरिराज जी की भक्ति। हाँ, दंडोती लगा रहे हैं तो ये तुम्हारा, हमारा तो ये ऐसा समझ लो ये घर है हमारा ठिकाना। कितने है? कितने वक्त से लगा रहे हैं महाराज जी, कितना टाइम हो गया लगाते लगाते। हमको तीसरी साल चल रही है। तीसरी साल, 3 मार्च को हमारा 3 साल पूरा हो जाएगा। वो वैसे आप कह रहे थे कि 3 दिन हुए सिर्फ। एक साल एक दिन का होता है संत का। अच्छा, एक साल एक दिन का। हाँ, अच्छा। इसीलिए तुमको समझाना पड़ रहा है। अच्छा, तो ऐसे कैसे होता है महाराज जी, इसमें क्या रहस्य रहता है। यही रहस्य है। अच्छा, ये रहस्य को तुमका सबरे को हमें अब 2 दिन के बालक की सब्जी बाजार में संत लोग के फिर किस काम के आएंगे। सही बात है। तो महाराज जी गृहस्थ में, जैसे गृहस्थ में थे आप। हा? तो तब उस वक्त क्या करते थे। अरे हम 2 पैसा का धंधा करते, रिक्शा भी चलाते, फेरी भी लगाते, मजदूरी भी करते, खेत की कटाई भी करते। अच्छा, और वैसे कोई आता था आपके पास में उसकी समस्या उसका हल करते। आवाज रोता हुआ आ रहा है, किसी का पेट में दर्द हो रहा है, किसी के माथे में दर्द हो रहा है। अच्छा, किसी गले जे में करेजा दर्द मार रहा है। तो ऐसे कैसे बताते महाराज जी, कुछ देख के कैसे करके। ये आदमी जो दिक्कत आती है ना, अपने आप माथे पर चमक जाती है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है जो माथे में, आदमी के हाथों में नहीं लिखा, जो माथे पर लिखा हुआ है और किसी में नहीं लिखा हुआ। तो वो तो महाराज जी, मनुष्य का जीवन यही रहता है कि हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं तो रहती हैं। समस्या तो आएंगी, उन समस्याओं को साधु टांट में रखता है, वो खुद भोगना पड़ता है। अच्छा, खुद भोगना पड़ता है। हाँ, तो साधु क्या मतलब, उससे साधु की अगर संगत करते हैं तो उससे भक्ति करेगा जो उसका कल्याण होगा। अच्छा, भक्ति से कल्याण होगा, पर साधु का दर्शन नहीं होता है। जो भोगना वो तो भोगना है ही है, उसका दूसरे कष्ट कर लेगा, उसका भक्ति करेगा जब कल्याण होगा, नहीं कल्याण कहीं होगा वो तो वैसे नरक में जाएगा फिर। अच्छा, तो महाराज जी अभी बताएंगे कितने मन के हैं आपके। ये 108 की है, एक माला है पूरी। अच्छा, तो इधर चलते फिर 108 लगा, फिर आगे चलते। एक दिन में कितनी लगा लेते हैं महाराज जी। हम लगाते हैं 3 माला। 3 माला कर लेते हैं एक दिन में, करने के बाद हम 3 माला करते हो फिर अपने चले जाते हो स्थान पर, फिर वहीं से शुरू कर देते। हाँ। अच्छा, तो महाराज जी ये मन में जी नहीं आता कि इतना कष्ट दे रहा हूँ, इससे बढ़िया मैं अपने अलवर में मंदिर है या कैसे भी है, वहाँ भी रोड़ा बना है गुरु जाने के बाद में। अच्छा, जिसने 3 विषय बेगा जमीन दान की नी, 5 लाख रुपया दान की, उसने जब गुरु जी छोड़ देने आने के बाद मन का बेटा ऐसा है गुरु जी की गद्दी पर, तुम सफा करके धूप बत्ती लगाना। अरे महाराज जी तुम चिंता मत करो, हम अपने आप मंदिर को संभाल लेंगे। हम दिल्ली रहे, वहां समाधि लगाई हमने गुरु मंदिर पर रही, वो अलवर मंदिर अलग है। अच्छा, माने अच्छा तो कोई बात नहीं, फिर वहां से आई सूचना महाराज यहाँ का सेवक गया, मैं क्या करूँ।
मंदिर को कौन संभालेगा? जाता जादन तो हुआ जो कह रहा था कि मैं अपना आप संभाल लूंगा, अब मंदिर को कौन संभालेगा? सही बात है। फिर दिल्ली वालों ने कहा कि महाराज तुम वही मंदिर पर चले जाओ, हो गए जो हो गए उसको बात को खत्म करो। अच्छा। फिर दूसरा खम्भ ठाड़ा हो गया जोगीनाथ। अच्छा। उसका व्यापार धंधा था, लाख करोड़ों का धंधा था, मूर्तियों का व्यापार था। वो कहता महाराज तुम जो सेवा के लिए करे थे तुम चेला नहीं बनाए? मैं कोई बात नहीं चेला नहीं बनाया, मैं चेला बनना भी नहीं चाहता, गुरु मेरे लिए तो गुरु साथ साथ चाहिए। दिखावा का चेला नहीं चाहिए मुझको, कर्म का चेला चाहिए। बाबा जी का पैसा खाएगा तो बाबा जी होगा, गृहस्थी का खा लेगा तो गृहस्थ का उद्धार कल्याण हो जाएगा। बाबा जी का पैसा किसी पर नहीं खाया जाता। सही बात। तो महाराज जी जैसे अब गृहस्थ को छोड़ा है आप, तो उसकी मतलब सुध लेते रहते हो? हम डेली जाते हैं जन्म भूमि जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जानते जन्म भूमि है। अच्छा, देखते रहते हो सब ठीक? और डेली का जाते हैं वही आराम, वही गद्दी लगी हुई हमारी तो अपनी अलग। अच्छा, वही लगा। तो क्या चमत्कार है महाराज जी गिरिराज जी का? गिरिराज जी की चमत्कार, ऋषि मुनि भी हार गए। अच्छा। इनको खोज नहीं पा सकते, इनकी तो लीला अजब निराली है। थोड़ी बहुत समझाओ थोड़ी सी यार। जो भावना करता है वो मनोकामना पूरी अवश्य करता है। मैं भी मजदूर रहा था, किसी कोई क्षेत्र में रख लिया, किसी सेटन में रख लिया, मजदूरी करी, रिक्शा करी, पूरे महीना काम किया, अंत जगह पे मैं वो चोरी का नाम लगा दिया। अच्छा। मैंने भी सबर करके पांच आदमी में उसके लिए पैसा पूरा चार्ज कर दिया। अच्छा। मैं जा तेरे लिए भगवान न्याय करेगा। सवा महीना जाके बाद हुआ उसका विनाश होगा। आज भी दीवार मथुरा के अंदर गोरखनाथ टेंट हाउस आज का 20 वंश खत्म है उसका। अच्छा। भगवान जब कहता है गिरिराज जी बतान घाटी पर हो रहा, अरे गिरिराज बाबा तेने बुरा किया। मैं गिरिराज बाबा बुरा करता गिरिराज में कोई नहीं आता। सही बात। गिरिराज बाबा अच्छा करता, कोई कभी किसी का बुरा नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। मैं कैसे बाबा तेने कैसे जानी? मैंने जानी, तेरा लड़का है रमेश उसका नाम का, तेने गोद लिया है, तेरा कुल तू नरवंशी है, और वह भी तेरा उसको एक लड़का हुआ है, वो तेरा विनाश होगा जब तू आके गिरिराज जी पर रो रहा है। अच्छा। मैंने कितने गरीबों की आत्मा काटी है तेने, बंसी वाला नहीं काटने देगा। अच्छा। गिरिराज बाबा की तो बहुत महिमा है। ये तो कहते हैं मायरी में नहीं माखन खायो, माखन में ही माँ समाई मेरे मन भायो। जहू जहू महाराज जी। तो दोस्तों देख रहे हैं कि महाराज जी कितने लीन है दंडोती में, और श्री गोवर्धन महाराज की महिमा जो बताई महाराज जी ने, ये बताया कि जो भी यहाँ कोई मांगता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये चमत्कार है गिरिराज जी में, ये चमत्कार है गिरिराज महाराज। दोस्तों इसी के साथ मेरे साथ बने रहे, और मैं कहूंगा भी कि आप भी आए गिरिराज जी और यहाँ परिक्रमा लगाए, यहाँ जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। स्वयं श्री गोवर्धन महाराज यहाँ विराजमान है, यहाँ की रज पवित्र है, रज के कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का वास है। इसी के साथ दोस्तों साधु संतों के दर्शन करते रहे। जय श्री राधे।